नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आर्टिफिशियल सेमिनेशन यह आपने सिर्फ डेयरी फार्मिंग के अंदर देखा होगा, लेकिन हम आज आपको पोल्ट्री के अंदर दिखाएंगे। यह हमने स्पेशली कवर किया है आरएम हैचरी पानीपत के अंदर। जो किसान भाई हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं या उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए हम बता दें, हैचरी के अंदर फर्टाइल अंडे की जरूरत होती है और फर्टाइल अंडे लेने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है। यह नेचुरल प्रोसेस से यह काम होता है। पोल्ट्री के अंदर एआई के हम आपको फायदे बता दें। सबसे पहला फायदा कि अगर आप एआई नहीं कराते तो मुर्गे और मुर्गियों को आपको एक साथ रखना पड़ेगा। एक साथ रखने के लिए आपको उन्हें ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि स्पेस का यूटिलाइजेशन आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। एआई का सबसे बड़ा फायदा यही है और सभी हैचरी के अंदर एआई का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। यह जो सीमन स्टिक सामने आप लगा रहे हैं, एक हैन को एक बार लगाने पर यह 3 दिन तक काम करती है। कहने का मतलब है कि अगर एक हैन को एक सीमन स्टिक लगाई जाती है तो वो 3 दिन तक फर्टाइल अंडा देती है। एआई करने के लिए सबसे पहले स्पर्म इकट्ठा किया जाता है। स्पर्म इकट्ठा करने के बाद वो एआई ट्यूब के अंदर डाला जाता है। एआई ट्यूब के अंदर डालने के बाद वो हैन को इंजेक्शन के रूप में लगा दिया जाता है। यहाँ पर हम आपको इसके अंदर खास बात बता दें कि जैसे डेयरी फार्मिंग के अंदर स्पर्म आपको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखना होता है, उसमें बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पर वह काम नहीं किया जाता। मुर्गे भी आपके यहाँ पर ही पाले जाते हैं। साथ के साथ स्पर्म का कलेक्शन किया जाता है और सीमन स्टिक हैन को लगा दी जाती है। अब हम आपको दिखा दें कि मुर्गे से स्पर्म कलेक्शन कैसे किया जाता है। यहाँ पर सामने आप देखिए कि मुर्गे के पीछे वाले हिस्से में एक ग्लैंड्स होती है, उसे दबाया जाता है और स्पर्म सिक्रेशन वहाँ पर हो जाता है। उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद सीमन स्टिक बनाई जाती है और सीमन स्टिक मुर्गी को लगा दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। सभी किसान भाइयों तक आप यह वीडियो शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।